देश दुनिया में कोरोना का खतरा। WHO ने कहा संक्रमण बढ़ रहा है, यात्रा के समय पहने मास्क। भारत में कोवोवैक्स बूस्टर डोज को मिली मंजूरी। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लंबी यात्रा करने वालों को मास्क लगाने की सलाह दी है। यूरोप WHO के इमरजेंसी अधिकारी ने कहा चीन के बाद पूरी दुनिया में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका में ओमिक्रॉन के नए वेरियंट XBB.1.5 से संक्रमण के मामले बढ़े हैं। इसे देखते हुए हर देश को लंबी यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को मास्क पहनने की सलाह देनी चाहिए। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बताया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में XBB.1.5 वेरिएंट के 72% मामले हैं, वहीं पूरे देश में इसके 28% केसेस हैं। इधर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोवोवैक्स को हेटेरोलोगस बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी मिल गई है। सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक्सपर्ट पैनल की मंजूरी की अब इसे बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बूस्टर डोज उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।